जो अल्लाह ने मोमना दे वास्ते कुरान नाजल फरमाया है नाले ते इना लोगों वास्ते एक कुरान हदायत भी है नाले शफा भी है वो मुअज्जज़ थे जमाने में वो मुअज्जज़ थे जमाने में आमले कुरान हो कर हम जलीलो रुसवा हो रहे तार के कुरान हो कर हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी जात वास्ते जो कायनात दा खालिक और मालिक है जो सारी कायनात दा बादशाह शहनशाह रब्बुल आलमीन अला कुल्ले शैन कदीर उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी मुख्तसर हमदो सना तो बाद थोड़ी आवाज खोलो दरूद व सलाम इमामुल अंबिया सर चश्मे रुशदो हुदा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते मुकद्दस उते दुनिया दे अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं दा कि जिन्हों हर पासों सुख आराम
और हमेशा खुश नजर आंदा होए। कर सब की गल सेट करो, चंगा भला जुमिया दे स्पीकर सेट होंगे फिर बड़ी बीमारी पै जाती। दुनिया के अंदर जिस इंसान को असी समझने आ ये बड़ा बेफिक्र है, और वाकयतन बड़ा मालदार है, बड़िया दौलत अगे पिछे मुलाजम नौकर और ये जड़ा बंदा है इनू कदी भी कोई दुख नहीं आया। इस बंदे दे करीब होके चंद मिनट इंदे कोल बैठो ते ए आदमी जदो अपनी कार गुजारी सुनाएगा ते पता ए चलेगा कि इंदे तो ज्यादा दुखी इंसान ही कोई नहीं दा। दुनिया दे अंदर इंसान किसे ना किसे तरीके दे नाल परेशान नजर आंदा है, कोई दुखां दा मार आया, कोई गमां दा पहाड़ बनिया होया, कोई परेशान बीमारी दी वजह तो कारोबार दी वजह तो किसे नो कोई तकलीफ है, किसे नो कोई दुख है, किसे नो कोई बीमारी है। परवाने हो कुरान दे हो बीमार ते हर इंसान है, मर्द बीमार ने, बीबियां बीमार ने, बाबे बीमार ने, बच्चे बीमार ने, लेकिन इन्हां बीमारियां दा इलाज की है। अज दा खुतबा जुमा मेरा ए अनवान है, कि इन्हां बीमारियां दा इलाज की है। और मैं तुहाडे सामने ना बीमारियां दा इलाज इस तरह बयान करके सुनाना चाहना, कोई जिस्मानी बीमार है, कोई रहमान कोई जनाब रूहानी बीमार है, इन्हां बीमारियां का इलाज रूहानी की है। इंसान बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, किसी नूं कोई बीमारी है, कोई दिल का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, कोई हैपाटाइटिस का मरीज है, किसी के गोडे च दर्दां ने, और किसे दे जिसम जुड़िया होया बीमारी घुण की तरह
खाई जा रही है। वैसे तो आम दुनिया के अंदर डॉक्टर हजरात इलाज करते ने और बाद इब्तदा दे अंदर नोट करे जे इलाज करवाना सुन्नत है, दवाई खाना सुन्नत है, डॉक्टर को जाना भी चाहिए। बीमार बंदा हो जाए ते डॉक्टर दे कोल जाना कोई ऐब वाली गल नहीं, दवाई का इस्तेमाल करना मेरे पैगंबर ने दसिया सुन्नत है। लेकिन मैं जो दसना चाहना, वैसे तो डॉक्टर हजरात नुस्खा जात लिखते ने ऐ जी बड़े पढ़िया लिखिया डॉक्टर है, हकीम है, तबीब है, इन्हें बाहर के मुल्क दियां डिग्रियां हासिल कीतियां ने, बड़ा तजर्बा इस डॉक्टर साहब का, हकीम साहब का। एक कोई इंग्लिश च लिख के देंदा है, कोई उर्दू च लिख के देंदा है, ते जेड़ा नुस्खे मैं दसने ने जिस किताब विच लिखे ने अल्लाह ने उस किताब नू अरबी विच नाजल फरमाया है। सरा गज के आखो सुबहान अल्लाह। ओ किताब हिकमत वाली केड़ी है, ओ केड़ी किताब दे अंदर रब्बुल आलमीन ने बीमारियां दा इलाज दस दिता है। आओ परवाने जरा तवज्जो फरमाया जे, अल्लाह फरमांदे ने وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ جنو قرآن نال پیار ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ تیری آواز آنی چاہی دی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ پروانِهُ قرآن دیو رب العالمین اعلان فرما رہے نے اساں نے جڑا نازل فرمایا ہے سونے محمد قرآن اے قرآن اے شفا بن کے آیا جے اے قرآن بیماریاں دا علاج بن کے آیا جے اے قرآن بیماراں دے واسطے تندرستی دا پیغام لے کے آیا جے اے قرآن اللہ دی کلام جڑیے نا اے سمجھلا بیماراں دے واسطے سکون لے کے آیا جے اے قرآن اللہ دی پیاری کتاب جڑی آمینہ دلال علیہ السلام تے اللہ نے نازل فرمائیے اوہ ایک جڑا بھی کوئی دکھیے اے قرآن ان دے واسطے سکھ لے کے آیا جے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ فِي شِفَاءٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ اے قرآن شفا بن کے اللہ نے پیچھے آجے وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا پروانے ہو اے قرآن شفا بھی ہے
ਏਰ ਮੂਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਆਯਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕੁਲ ਹੋਵਾ ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਹੁਦਨ ਵਾ ਸ਼ਿਫਾ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਏ। ਐ ਕੁਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਫਾ ਵੀ ਏ, ਐ ਕੁਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਏ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਐ ਕੁਰਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਏ, ਐ ਕੁਰਾਨ ਗੁਨਹਗਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਏ, ਐ ਕੁਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਏ। ਓਏ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਏ ਬੀਬੀ ਏ ਜਾਂ ਬੀਬਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀਰਪ ਪਿਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਨਰਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਨਾ ਏ, ਕਦੀ DHQ ਕਸੂਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਨਾ ਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਦੀਗਰ ਵਡਾਣੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਨਾ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕਾਰੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੁਲਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਐ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਏ, ਐ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਏ, ਐ ਮਿੱਦੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਏ, ਐ ਫਲਾਨੀ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੇਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਏ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਏ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਏ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਏ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਏ, ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਅਤ ਏ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਹਰ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਫਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਟੂਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ। ਕਹੋ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੂੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਆਰਾਮ ਆਏ ਫੈਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੇ, ਡਾਕਟਰ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਣ ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਏ,
थक थक जांदे हो। अखीर पता फिर की इंसान कहंदा है, या ते चुकला फिर ते या शफावां अता फरमा दे। परवानियो आओ सरा, मैं तुहानू अज एक सबक देना चाहना। दुख तकलीफ परेशानी बीमारी मुसीबत औलाद बेटे बेटियां इज्जत शोहरत दौलत हुक्मरानी बादशाहत एक किसे इंसान दे वस विच नहीं, किसे नू अता कर देवे। ए अता करदा है ते अर्श वाला दाता अता करदा है। अल्लाह तो इलावा कोई किसे बीमार नू शफा दे सकदा? जरा गज के बोलना है। आज तारीखी खुतबा जुमा है मेरा, और मैं समझना कि इस मिंबर ते कदी भी इस मौजू ते मैं गुफ्तगू नहीं कीती। मैं तैयारी करके अल्लाह दी रहमत नाल आया, और मैं पैगाम देना चाहना कि लोगों नू इस बात की समझ आ जाए, बीमारियां भेजन वाली जात भी अल्लाह दी है, शफा देने वाली जात भी। बोलो जरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी है। समझ नहीं आई? अल्लाह दे खलील ने, एक कौन ने रब दे खलील, खलील दा मानी दोस्त होंदा है, बेली होंदा है, यार होंदा है। ते ए जरा खलील है ना, ए रब दा दोस्त है। कहो यार, कोई किसे दा दोस्त है, कोई किसे दा दोस्त है? किसे दा एमपीए दोस्त बन जाए, बड़ा चौड़े खां बनता है, बड़ा जनाब अपने आप नो उच्चा समझदा है। एमएनए नाल सलाम दुआ हो गई है, बड़ा अपने आप नो फन्ने खां समझदा है। ए दुनिया दी दोस्ती एक सैर ते करके बात करना चाहना, ए रब दा खलील है ते नाम इंदा जनाब इब्राहीम है अलैहि सलातो वसलाम। ते नमरूद ना अपने दरबार विच बादशाह बनया होया है, ते इस तरह करके ना नमरूद एक दिन कहन लगा, वे इब्राहीम तू रोज रब रब करदा रहना है, एक रब ही सब को जे, एक रब ही सब पानी उतारन वाला है, पहलियां बीजन वाला है, इको रब ही शफावां देन वाला है, इको रब ही सब कुछ करन वाला है। बाकी आ जड़े साडे बुत ने ए एवें वेले ही असीं खिला छड्डे ने। ते अल्लाह दा खलील कहंदा है, अज भी वेले ते बोलो कल भी। भाई रशीद साहब, अज भी वेले ते कल भी, वेलिया ने वेले ही रहना है, उन्होंने काम कितों होना है? अल्लाह अल्लाह, तवज्जो फरमाया जे। अल्लाह दा खलील जनाबे इब्राहीम अलैहि सलातो वसलाम नो नमरूद बादशाह कह लगा, अच्छा रब रब करना है ना, ए ते गल दस, तेनू कोई बीमारी आ जावे, तेनू कोई परेशानी आ जावे, तेनू कोई तकलीफ मिल जावे, तेरिया तकलीफा कौन दूर कर दाए, तेरिया बीमारियां कौन दूर कर दाए? ओ वडाने दे ओ बासियो, ओ मेरी ओ माओ बहनो, मेरे दोस्तों बजुर्गो, किताबो सुनना दे ओ परवाने ओ, आओ जरा हक दा ऐलान सुनना चाहते हो, ओ सच दा पैगाम सुनना चाहते हो। मैं ते कहा करना, इस गुलस्ताने मुहम्मदिया दे अंदर उन्हां दे कदम इधर नू चल पैंदे ने, और जिन्हां दे सीने विच रब दे कुरान दियां मुहब्बतां होंदियां ने, और जिन्हां दे सीने विच काली कमली वाली सरकार दा प्यार होंदा है, ओ आंदे ने चलने आ जाके नाले कुरान सुनने आ, नाले मुहम्मद दी शान सुनने आ।
ਇਹੋ ਜ਼ਿਹਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਮਰੂਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਏ ਆ ਤਜੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਲੀਲ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ जनाब इब्राहिम अलैहि सलाम फरमांदे ने बीमार मैं होना तवा सुभान अल्लाह अल्लाह दे नबी ने जिंदगी गुजारन दा तरीका दसिया फरमाया बीमार मैं होना ते शफा मेनू मेरा अल्लाह देंदा है बीमार मैं होना पता लगा के नबी भी बीमार हो जाते ने जे तेनू मेनू बीमारियां दियां ने ते बीमारियां नबियां रसूलां वलियां नूं भी आ जाया कर दियां ने बीमारियां सहाबा नूं भी आ जाया कर दियां ने बीमारियां सहाबियात नूं भी आ जाया कर दियां ने फरमांदे ने फाहो आया शफी बीमार मैं होना शफा मैनू अल्लाह देंदे ने अल्लाह अल्लाह और जितने मर्जी अल्लाह तो अल्लाह डॉक्टर साहबान हो जितने मर्जी कीमती तो कीमती ज्यादा तो ज्यादा दवाई लिखन वाले नुस्खा जात लिखन वाले हकीम साहब हो दवाई देंदे ने पैसे गले च पा लेंदे ने ते पता की आंदे ने शफा मिन जानब अल्लाह एवं आते ने ना और जनाब डॉक्टर ते हकीम भी पता की आते ने शफा मिन जानब अल्लाह के शफा देगा ते अल्लाह दे सकदा है डॉक्टर को शफा नहीं डॉक्टर हकीम को शफा नहीं एना नर्सा को शफा नहीं शफा अला कुल शैन कदीर कोले शफा रब्बुल आलमीन दे कोले अल्लाह अल्लाह अकीदा ठीक कर लो लोगो बीमारी अल्लाह दी तरफो आंदी है ते शफा भी अल्लाह करीम अता फरमांदे ने अल्लाह अल्लाह वैसे मुआशरे दे अंदर बंदा किसे ते जल्दी अल्जाम तराशी कर लहंदा है लो जी ए फलाने बंदे ने मेनू बीमार कर छड़े आए फलाने बंदे दी मेनू ऐसरा करके इन्हें जनाब मेरा कारोबार ही बंद कर दिता है फलाने बंदे ने मेरी दुकान ते गाक खत्म कर दिते ने और लोगो गल सुन लो कोई बंदा बंदे दा रिजक नहीं बंद कर सकदा नहीं समझे आ मैं तेरी आमिना दे लाल नल मुलाकात करवा देना जगां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अली सलातो व सलाम नमाज अदा कर देने ना नमाज अदा करके मेरे आका अली सलाम एक दुआ पढ़िया कर दे सन अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मोतिया लिमा मनाता वला मतलब सुन लो
जो रब देना चांदा है ओ लभदा जे, जो रब ना देना चाहे ते कोई बंदा दे ही नहीं सकदा। एवे समझ लो एक बंदा हाजी खालस साहब नु सामने रख लेने आ, मोहतरम इज्जत माफ कारी रियाज मुहम्मदी साहब दी मिसाल रख लेने आ। ओ परवाने ओ कुरान दियो, एक बंदा हाजी साहब नु लख रुपया देना चाहता है ना, अल्लाह करीम कारी साहब नु 2 लख रुपया देना चाहते ने। बंदे अगे अड़िया पाते पे ने, बंदे अगे रुकावटा पाते पे ने। ए हजरत साहब नु पैसा नहीं मिलना चाहिदा, एनु सीमेंट दियां बोरियां नहीं मिलनियां चाहिदियां, ओदी सच कमी होनी चाहिदी, कम होएगा नहीं, लोगों दे सामने जलील और रुसवा हो जाएगा। वा अल्लाह मैं तेरे कुरान तो सदके जावा, वा तो इज्जो मन तशा, वा तो जिलो मन तशा, बेयादी कल खई इन्ना अल्लाह अला कुल शैइन कदीर। और इज्जत देने वाला इंसान नहीं, जलील करने वाला कोई भाई जान नहीं, और इज्जत भी देंदा ते अल्लाह करीम अता कर देने। जिवे शफा भी अल्लाह तो इलावा ना कोई बजुर्ग दे सकदा है, ना कोई डॉक्टर दे सकदा है, ना कोई मौलवी दे सकदा है, ना कोई सियासतदान दे सकदा है, ना कोई मास्टर, ना डॉक्टर, ना नर्स कोई शफा दे सकदी है। ओए शफा दा डिपू ओए किसे आम इंसान दे हाथ विच नहीं दा, शफा में न जानब अल्लाह। बोलो कौन है? अल्लाह तो इलावा शफा लब दी? बोलो भाई। और नहीं समझ आती जड़े बीमार ने उन्होंने पूछ के वेख लो, तरले लेंदे ने तरले, ऐ दवाई खादिया सानू शफा लब जाए। शफा उदो ही मिलनी है जदो अल्लाह ने अता करनी है। अल्लाह ना देवे ते शफा लब सकदी? बोलो भाई लब सकदी? अगे आ जाओ। हाँ भाई तवज्जो फरमा हुजूरा, जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम कहन लगे अल्लाह ही शफा देन वाले ने, अल्लाह तो इलावा कोई शफा नहीं दे सकदा। परवाने हो कुरान दे हो, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अली सलातो व सलाम फरमांदे ने, बीमारी आनी है, बीमार होना है, ते बेसबरी नहीं करनी। बेसबरी एवे सिर ते बांह नहीं चुक लेनी, हाय मैनू फलानी बीमारी आ गई है। और साडा एक साथी सी ते अचानक उन्हें शुगर चेक करवाई, ते मैं ते कई बार साथियों को कहना चेक ही ना करवाया करो, जदों आ रही उदो आई जा रही है। आखिर ना ये शुगर चेक करवा ली तो उन्हें कहा भी तेरी शुगर वधी है। वो चढ़ गया जनाब सीढ़ी ते छत ते चढ़ गया, ते उची उची उन्हें रोना शुरू कर दिता। मैं पुछया पुछो खैर देगी इनू की होया है? आंदे जी इन्हें शुगर चेक कराई है ते इन्हें पूरा वडाणा ही सिर ते चुक लिया। और बेसबरी नहीं करनी, अल्लाह को दुआवां करनिया ने, और इस अकीदे नाल अपनी जिंदगी बसर करनी है। शफा देन वाला कौन है भाई? जिंदा प्यार अल्लाह ना जरा गज के आखो, शफा देन वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन दी साथ है। परवाने हो कुरान दे हो, शफा
बीमारी दी अल्लाह ने कई चीजा विच रखी है। जगां दे पीरां मीना दे लाल इस्लाम फरमांदे ने बीमार हो गए हो, तकलीफ आ गई है, ते तुहाडा हक की बनदा है डॉक्टर कोल गए हो जाके दवाई ले आन दीजे। दवाई ले आन दे आन ले आन दे आ उन्हों को चार टके देखे आन वाले आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सुन ला, आप फरमा देने अस्हादा का तो रद्दुल बला दवाई खानी भी है ते नाल अल्लाह दी राह विच सदका भी करना है। की करना है? डॉक्टरां नूं नहीं दे छड़ने भाई बाबा जी रफीक साहब। अल्लाह दे रस्ते विच माल भी देना है। और सोची पै गए होवोगे नाले डॉक्टरां नूं दईए, नाले मौलवियां नूं दईए, नाले मस्जिदां च दईए, नाले सदका खर्च करिए, एक कित्थों दी सानू जनाब एक गुड़ती है कि असी सारे पासे पैसे खर्च करिए। तवज्जो फरमाया जे जरा। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ले इस्लाम फरमांदे ने सदका एडा वड्डा अमल है, तेरी पहाड़ नालों वड्डी बीमारी क्यों नहीं दी? सदका करेगा जड़ी तेनू लगी है अल्लाह ओ भी खत्म कर देगा, ते जड़ी लगनी सी अल्लाह ओ भी मिटा देवेगा। सदका इतनी अजीम चीज है। मैनू एक वाकया याद आया, सऊदी अरब दे अंदर एक नौजवान ने तवज्जो मेरे ते सदा करया जे, सऊदी अरब दे अंदर एक नौजवान ने अपने दफ्तर दे अंदर बैठा हुआ है, बैल खड़की है, फोन आया है, फोन ते तला देन वाले ने तला दिती है तेरी वालदा बीमार हो गई है, जिन्नी जल्दी 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 फलाने हॉस्पिटल दे अंदर पहुंच जा। अचानक जदो बंदे नूं इस तरह दा फोन मिलदा है ना, बंदा फिर मां होए या बाप होए, अल्लाह जुल जलाल दी कसम मैं ऐ गल आखां ते शक नहीं रहेगा, ओ जिहड़ा ताबेदार फरमा बरदार बेटा वो ते कई वारी जुतियां भी नहीं पांदा ते नस के अम्मी अबे वल आ जा है, लेकिन फरमा बरदार हो सी। इधर आ जाओ, उठ के तुम भी इधर आ जाओ, सड़ते हो गड्डिया नहीं आप वेख लिया, इधर आओ जरा। हाँ भाई तो जो करे जी जरा के इनू जो खबर मिली इस तरह अपने दफ्तर चो निकलिया बार वेखदा है सीढ़ियां ते एक बिल्ली है। बोलो की है? अब बोलो सी बिल्ली। ओ बिल्ली है की है? एक बिल्ली है ते ओंदी किसे ने लत तोड़ी होई है ना, ते जिवें छोटे जे बच्चे नो कोई तकलीफ होंदी है ते ओ अपने मापियां दे सामने जाके रोंदा है, ते बिल्ली आसमान वल नजरा कीती बैठी है, रोई जांदी पई है, आंसू बहांदी पई है। ए जड़ा अल्लाह वाला है ना, तवज्जो मेरी तरफ रखे आजे, ए जड़ा अल्लाह वाला है ना, इधर अम्मी दी परेशानी है, इधरों बिल्ली जख्मी वेख लई है, पता की दिल विच आंदा है, आंदा है आ जड़ी नेकी है ए ते मैं नहीं छड़ांगा, हो सकदा है मैं नेकी करांगा ते अल्लाह मेरी अम्मी नूं शफावां अता फरमा देवेगा। गल यकीन दी है, गल इतमाद दी है, जे इतमाद नहीं हैगा ते गल बन सकदी? बोलो भाई। फिर वो मौलवी वाला हिसाब ना हो वे। कोई बंदा सी ना वो हजरत साहब के सामने आ जाए करे, बयान सुने करे,
एक दिन हजरत साहब कहन लगे हो यार नौजवाना नहर इन्नी चढ़ी होंगी है तो तू सारिया तो पहले ही आ जाना है। वो आखन लगा हजरत साहब गल इस तरह है तुसी आपे ते आख्या सी कि बिस्मिल्ला पढ़िए अल्लाह समुद्रां विच भी रस्ते बना देंदा है। बिस्मिल्ला पढ़िए ते नहरां विच रस्ते बन जांदे ने। आपे ते तुसी दसे है। मौली साहब भी सोचन लग पे भैया मैं भी एक दिन तजर्बा करा। शफीक मौलवी साहब भी सोचन लगे मैं भी आज तजर्बा कर रहा। ते हजरत साहब नहर दे कोल पहुंच गए ने ते उथे साथी नाल चार पंज लै गए रस्सियां दा बंडल चुकया होया है। ते पता की आंदा है मैं जदों नहर वल जावां ते जदों मैं डुबन लगा मेरा रस्सा खिंच लिया जे ऐसरां दा इतमाद नहीं होना चाहिदा। मौलवी दा इतमाद मुक्तदियां दा इतमाद यकीन अल्लाह दी सात ते होना चाहिदा। परवानियों को राम देओ जे डुबना ते अंतरिया तो उझ भी डुब जाना है ते जे बचना है ते अल्लाह ने अपनी रहमत नाल तेनू बचा लेना है। सबक मिलिया के यकीन करना है अल्लाह दी जात ते बीमारी किंदी तरफों आती है। बोलो कोई किसे नू बीमार नहीं कर सकता। ए शैतानी वसवसे ने कोई किसे दा रिज़क नहीं बंद कर सकता। ए शैतानी मामलात ने जे रब ना किसे नू देना चाहे कोई दे नहीं सकता। जे रब किसे नू देना चाहे कोई माई दा लाल रोक नहीं सकता। एहो जा ज़ेहन बना फिर वे रब दी रहमत किवें वसदी है। हां भाई मैं दस रहा ओ बिल्ली जख्मी है ना इन्हें जल्दी जल्दी अपनी पॉकेट अपने पर्स विचों पैसे कड़े ने स्टोर ते गया दूध दा पैकेट लेके आया बिल्ली नू पिलाया फिर दूध पिला के ते हस्पताल अम्मी दे कोल चला जांदा है। डॉक्टरां नू जाके मिलिया डॉक्टर हजरात नू पुछिया मेरी अम्मी किथे आ आंदे ने ओ फलानी वार्ड दे अंदर असी शिफट कर दिती है। ओ तवज्जो करी नौजवाना तवज्जो करी दोस्ता बजुर्गा ए जनाब आंदा हैरानगी दी गल है आई सी यू दे विचों एडी जल्दी मेरी अम्मी नू शिफट किवें कर दिता गया है। आईसीयू सरदार साहब ओ वार्ड जिंदे विचो बंदा बा मुश्किल बचदा है ना बा मुश्किल बंदा बच के घर दा राह लभदा है ना ते ए जिस वक्त देखिया जाके अम्मी नू मिलिया अस्सलाम वालेकुम कहंदा पिया है ना ते मां बिल्कुल तंदुरुस्त जई सेहतमंद नजर आंदी है। बच्चा कहंदा है अम्मी तू ते बड़ी बीमार जी से बड़ी परेशान से गल की है अंधी पुत्रा ओ वेख ला बिल्ली मेरे वास्ते दुआवां कर दी पई है अल्लाह ने शफावां दे दितियां ने। सदका करिया करो सदका। कई नेक मावां भैणां ना बच्चा आखे नहीं लगदा नमाज नहीं पढ़दा ताबेदार नहीं बनदा ते मावां सदके कर दियां ने। सदका मां कर दिए अल्लाह बच्चे नू समझ अता फरमा देंदा है। सदका बाप कर दे अल्लाह उस नौजवान नू राह रास्ते ले आंदा है। सदका करन दे नाल कई मुसीबतां पहाड़ जिड़ियां अल्लाह दूर फरमा देंदे ने। अल्लाह अल्लाह बीमारियां बेशुमार ने बुखार भी एक बीमारी है। तवज्जो करिया जे जरा कोई आंदा जी वारी दा बुखार चढ़ जांदा है कोई आंदा हजरत जी जुमेरात वाले दिन चढ़दा है अगली जुमेरात नूं लैंदा है कोई आंदा जी मंगल नूं बड़ा चढ़दा है
कोई आंदा फलाने दिन बुखार उतरदा ही कोई नहीं, कोई आंदा बाहर है, कोई आंदा मेरे जिस्म दे अंदर है। आओ जरा सुनिए, इस बुखार दा इलाज अल्लाह ने कुरान च की दसिया है। और पहला ज़हन बना लो कि कुरान है ही शफा है। बोलो कुरान है ही, बोलो कुरान है ही। पहले यकीन बना लो, दुआइयां तो हट के यकीन बना लो कि कुरान है शफाए। अल्लाह फरमांदे ने वनु नज़्ज़िलु मिनल कुरान, जिंदा कुरान नाल प्यार जरा गज के आखो सुभान अल्लाह। कोई गुंगा आया तो उन्होंने मैं नहीं तकलीफ देनी, जा उत्ते कोई गुंगी आई हो मैं उन्होंने तकलीफ नहीं देनी, एवं मैं उन्होंने मजबूर करा गुनेगार हो। ते जे जबान है जे उस रब ने जिन्हें तेन रिजक दिता है, दौलत दिती है, शान दिती है, सेहत दिती है, तंदुरुस्ती दिती है, उस रब का ना उच्चा करिया कर, रब तेन अजमत शाना का मालिक बना देगा। फरमाया वनु नज़्ज़िलु मिनल कुरान, फिर कह दियो वनु नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। आओ ना परवाने हो, कुरान दे बुखार हो गया है, डॉक्टरों ने बड़िया कोशिशां कीतियां ने, नहीं समझ आई, नहीं आराम मिलिया, नहीं शफावां लभियां। सूरत अंबिया दे अंदर अल्लाह पाक दा कुरान ही जरा तवज्जो कर लवी। सूरत अंबिया दे अंदर एक ऐत है, इनू पढ़ के पानी ते दम कर दिया कर। मेरी माए भैने मैं तेनों लिख के देनू तैयार हाँ, अस्टाम करके तेनू तैयार हाँ। वो यार किसे डॉक्टर नो अपनी डॉक्टरी ते ना यकीन हो सकता है, ते मैनू रब दे कुरान ते क्यों ना यकीन होएगा। वो लोगो सारे डॉक्टर ते वो सारे हस्पताल इन्हां विच शफा नहीं लभदी। अल्लाह दी कसम है रब ने कुरान नू शफा बना दिता है। बोलो किन्नू शफा बनाया, बोलो बोलो जरा किन्नू शफा बनाया है। ओ केड़ी आयत है, अल्लाह फरमांदे ने कुल ना या ना रुकुनी, फिर कह दियो। मेरा ख्याल तुसी डॉक्टरां नू पैसे देके राजी हो हैं, डॉक्टरां दे कोल जाके ना पैसा खर्च करके बड़े खुश रहंदे हो। मैं कुरान सुना रहा, ढिल्लापन इख्तियार कर रहे हो, मैं दस रहा कि केड़ा मर्जी बुखार क्यों नहीं दा। फरमाया कुल ना या ना रुकुनी भर दऊं असलामा, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने इस आयत नू पढ़ के पानी ते दम करके, अपने हत्थां ते दम करके, अपने जिस्म ते ऐसरा मसल लिया कर, मल लिया कर, नाले पानी जिस्म ते लगा लिया कर, नाले पानी पी लिया कर। जेड़ियां उतलियां बीमारियां ने अल्लाह शफा दे देगा, जेड़ियां विचलियां बीमारियां ने रब तंदुरुस्तियां अता कर देवेगा। गल ते यकीन दी है, यकीन तो बाद, यकीन तो बगैर गल नहीं बननी। जे यकीन नहीं फिर भावे सारी दुनिया दे किताबां छानबीन कर ला, तेनू नहीं शफा लभ सकदी। एक ऐसे यकीन बना ला, रब बीमारा नू शफा ता फरमा देगा। कई आंदे जी असि दिल दे मरीज अंकारी साहब, हार्ट अटैक हो जाते ने, बड़े परेशान, बड़ी बीमारी सानू खा गई है,
आओ मैं भी रब दे कुरान विचों पेश करन लगा, इंदा इलाज भी अल्लाह दे कुरान विचों सामने लियान लगा। परवाने ओ कुरान दे ओ अल्लाह पा फरमा दे ने अल्लाह बेसिकर इल्लाहे अल्लाह बेसिकर इल्लाहे तात्मा इन्नुल कुलो बीमारी दिल दी होवे बीमारी मेदे दी होवे बीमारी पसलियां दी होवे बीमारी अंदरां दी होवे बीमारी ढिड पीड़ दी होवे बीमारी सिर पीड़ दी होवे बीमारी शुगर होवे बीमारी हड्डां दे जनाब दर्दां दी होवे ओ तेरा जिस्म बीमारी ने क्यों नहीं जूड़ क्यों नहीं लिया बन के तेनों चार पाई ते सुट क्यों नहीं दिता। रब दा कुरान कहंदा पिया ए रब दा जिक्र करिया करो अल्लाह सारिया बीमारियां दूर फरमा देवेगा सारिया बीमारियां। एक किन्ने दसिया है बोलो रब्बुल आलमीन ने दसिया है। असी दुनिया के अंदर रहने वाले इंसान साडा यकीन नहीं साडा विचला नहीं जड़ा ए नहीं बनी दा पिया जब तक ए नहीं बनी चेगा कामयाबी लब सकदी बोलो भी लब सकदी नहीं। अल्लाह अल्लाह इस तरह मेरे बरादर कुरान अल्लाह दी शफा ए किताब कुरान अल्लाह दी बोलो मेरा ख्याल तुहाड़ियां जेबां विच बोरियां गोलियां दी होनियां जड़े नहीं बोलदे पे डॉक्टरां कोल जाना गुनाह नहीं दा उन्हां कोलों भी मेडिसन लैके खाना नबी दी सुन्नत है लेकिन ए भी कदी कदी अजमा लेगा रब शफावां अता फरमा देगा कहो इंशाल्लाह की गल अच्छा जो भाई पौने दो बजे जुमे का खुतबा खत्म होएगा। हाँ भाई मैं दस रहा तवज्जो फरमाया जे अल्लाह दे प्यारे नबी दे सहाबा एक दिन काफला लेके तुर पे ने काफला तुरद्या रात पै जांदी है तवज्जो मेरी तरफ जरा रात पै जांदी है एक पिंड दे करीब पड़ाव पा लेंदे ने रुक जांदे ने स्टाप कर लेंदे ने अल्लाह अल्लाह ए जनाब हजरत अबू सईद खुदरी फरमांदे ने साडा जड़ा अमीर सी ना इन्हें पिंड दे लागे पड़ाव पा दिता सानू रोक दिता गया है कि पिंड दे लोग जड़े ने ना ए मुसाफरा नाल बड़ा प्यार करदे ने शहरां दी निस्बत पिंड दे लोग मुसाफर लोगों का बड़ा ख्याल करदे ने अल्लाह अल्लाह परवाने कुरान दियो ए नबी पाक दे परवाने उथे रुक गहने ना ते रात पैनी शुरू हो गई इन्होंने आखिया कि चलो हुण पिंड वालियां कोल ही अज रोटियां बोटियां पुछने आ जाके सवाल कीता असी मुसाफर लोग ते सानू कोई रोटियां रोटियां दा इंतजाम कर दियो असी रोटी खाना चाहने ते सानू कोई रोटी दा इंतजाम कर दियो। ये पिंड वाले जिहड़े बड़े खुशक बंदे सन कई बंदे बड़े खुशक होंदे ने कई दे बड़े अखलाक दे अच्छे होंदे ने ना ते कई बड़े खुशक होंदे ने ओ ना मेहमान का ख्याल करते ने ना मुसाफर का ख्याल करते ने ना कुरान दे कारी दा ना आलमे दीन दा ना वड़े बजुर्ग दा ना मां दा ना बाप ना ना वड़े भाई भैन रिश्तेदार दा भी ख्याल नहीं करते मुंह तोड़ जवाब दे देंदे ने इह अंदर साडे कोलों कित्थों रोटियां आईयां कई बंदिया की जान मसा आदत होंदी है सब कुछ होने के बावजूद आखन दे पल्ले शाही कोई नहीं
पिंड वाले कह लगे साढ़े पिंड रवाज नहीं है रोटियां रोटियां का। अल्लाह अल्लाह नबी दे यार चुप करके उठे ते अपने खेमे च चले जाते ने। अल्लाह दे नबी दे यार कोई वजू करता पे आए, कोई नफल पढ़ता पे आए, कोई कुरान पढ़ता पे आए, कोई नबी दियां हदीसां याद करदा पे आए ना। अल्लाह अल्लाह जगां दे पीरा मीना दे लाल दे सहाबा ऐसरा जनाब रब रब करदे पैने, जिक्र अज़कार करदे पैने, परवाने ओ कुरान दियो ए जड़ी बस्ती दा सरदार है ना, इनू किते डेमू ने डंग मार दिता है ना। तवज्जो करे अजे जरा शुरू करदा पिया इन्हें पिंड वालियों कठिया कीता, पिंड वालियो तुहाडे विचों कौन है जड़ा कोई दवाई दे दे या दम कर देवे ते मेरी तकलीफ दूर हो जावे। जड़े रोटियां ना खवान उन्होंने कितों इलम होवे, उन्होंने कितों एहजियां चीजा रब दियां रहमतां हासिल होण। आ वेखना कई घर ऐसे ने इस वस्ती दे अंदर जदों दा रब दा घर बणिए उदों दे अल्लाह दे घर रोटियां भेजदे ने, अल्लाह दे घर दे मुसाफरां दा असातज़ा दे खाणियां दा इहतमाम करदे ने। आवाज आंदी है तू रब दे घर दा ख्याल कर, मैं रब तेरे रोजियां विच बरकतां अता फरमा देंगा। ते कई कई साथी ना मैनूं कहिंदे जी कारी साहब हुण बड़ा देर हो गई उधरों छड़वा के साडी भी कोई वारी लवा दिओ। मैं दो चार वारी गल कीती उन्हें कहा जी जिहड़ी दुआवां दा एक दरवाजा खुला असीं बंद करना चाहते, बोल बंद करना चाहते, सानू दुआवां मिलदियां ने साडे घर रब दियां रहमतां वसदियां ने, असा यह काम नहीं बंद करना। परवाने हो कुरान दियो ए जनाब डेमू सरदार नू लड़ गया है ना, ते हो ए पिंड वाले तुर पे ते आ किंदे कोल गए ने, उन्हां मौलवियां कोल उन्हां हाफजां कोल नबी दे यारां कोल आके अंदने तुहाडे विचों कोई ऐसा बंदा होवे जेड़ा कोई दम शम करन वाला होवे। ते नबी दे सहाबी हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अनहु फरमांदे ने हां भई दम ते कर लैने पर असी मुआवजा लवांगे। की लवांगे? पैसे लवांगे, कुछ शै लवांगे, मुफ्त विच नहीं गल बननी। और हकीकत है मेरा तजर्बा है क्योंकि नजरे बाद दा दम में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दूर दराज से लोग आंदे ने मेरे को, बच्चे नू नजरे बाद हो जाए या किसी डंगर नू नजरे बाद हो जाए, लोग दूर दराज से मेरे को घर पहुंचते ने। ते जे ना कोलो हदिया ना ना वसूल करिए ते ए समझदे ने कोई गल नहीं खैर सल्ला ना भी दोबारा दम करवावांगे आप ही आराम आ जाएगा। जे कोई चार टके मस्जिद वास्ते मदरसे वास्ते इन्हां नूं कह दिता जावे ते दे के जावन ते फिर घर जाके पता बीबी नूं भी आंदे ने मैं ना 500 रुपया दे के आए कारी साहब नूं, फलाने टाइम ते मैनूं जगा दई मैं पानी पीना ही, फलाने टाइम ते मेरा जगा दई मैं ए नफल पढ़ने ने ए लफज पढ़ने ने। जो कुछ खर्च किया होंगे फिर बंदे नूं समझ आ जाए एवें गल के नहीं। तो जब मुफत की खीर हो तो कई पछदी कोई नहीं ना बद नसीबा। हाँ भाई तवज्जो करे अजे, हाँ भाई मैं दस रहा सा आंदे ने असी मुआवजा लवांगे की करांगे असा मुआवजा लवांगे। उन्हें आख्या जी दसो की लवोगे, कहिंदे 40 बकरियां। की लवांगे बोलो, कांदे वास्ते दम दिया असी 40 बकरियां लवांगे। ते ए सरदार कोल गए
ते जदो तकलीफ बंदे नूं आई होवे फिर भावे सौ भी मंगो ते दे छड़ दे ने। जो बंदे नूं कोई तकलीफ आई होवे फिर बंदे नूं समझ आ जांदी है परवाने कुरान दियो आंदे के चाली बकरियां सिलवांगे ते आ सरदार कहंदा है ओ तुसी जिन्नियां मर्जी ले ले आ जे मैनू तकलीफ बड़ी है मैनू दर्द बड़ी है मैनू बीमारी बड़ी है मैनू परेशानी बड़ी है ए जनाब चाली बकरियां ले लिया ने नबी दे सहाबा ने ते नबी दे सहाबा कितने प्यार वाले नबी दे किड्डे ताबेदार ने ते अज दा कोई उम्मती होंदा ना उन्हें चाली बकरियां भी खा पी के ना रोस्ट ब्रोस्ट करके कढ़ाई गोशत बना के ते बाद विच आखना सी मसला पुछांगे ये जायज ने के नजायज ने। वा अल्लाह में नबी दे सहाबा तो सदके जावा चाली बकरियां दा रेवड़ अगे ला लिया कवा सुभान अल्लाह चाली बकरियां दा रेवड़ अगे ला के टोर लिया है ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत विच पहुंच गए ने ते जाके आंदे ने अल्लाह दे नबी जी आ चाली बकरियां सरदार नो दम की था ना ते चाली बकरियां सी हासिल कीती हने वाह महबूब मैं सदके जावा मेरा पैगंबर मेरा मुर्शद इमामे आजम कायनात दा ताजदार नबी नाले हस देने नाले मुस्करांदे ने नाले फरमांदे ने ओए आपस मंडियां ना पा ले आजे मोहम्मद दा हिस्सा भी रख ले आजे आपस ही ना मंडियां पा लिया जे अल्लाह दे नबी ने भी हिस्सा मंगिया है। वाह नबी दे ओ यारो परवाने ओ कुरान दियो कई लोग आंदे ने सानू जिन बड़े चमड़दे ने कई बीबियां आंदियां ने साडे घर विच परेशानियां ही बड़ियां ने बीमारियां दूर ही नहीं होंदियां तकलीफां दूर ही नहीं होंदियां लड़ाइयां झगड़े मुकदे ही नहीं दे आओ जरा अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ओही गल जड़ी मैं तेनू शुरू विच कह दित्ती सी वानु नज़्ज़िलु मिनल कुरान फिर कह दियो वानु नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन मोमनो मुसलमानो नबी दियो दीवानियो ओए अहले हदीसो दियो बंदियो बरेलवियो सुनियो ओए आका दे मनन वालियो आका दे फरमा बरदारो ए मोमनो कुरान तुहाडे वास्ते शफा बन के आया है ना। हां भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछदे ने ओए नबी दियो यारो की पढ़िया जे की पढ़ के सरदार नु दम कीता जे ते मेरे आका इस्लाम फरमांदे नबी दा यार दसदा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरत फातिहा बड़ी है की बड़ी है भाई बोलो नमाज नहीं होंदी जेड़ा बंदा सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उस इंसान की नमाज नहीं ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहिल किताब जड़ा बंदा मुक्तदी नमाज दी हालत में सूरह फातिहा नहीं अदा करेगा आमीना दे लाल दी हदीस है ओ पावे हाजी होवे ओ नमाजी होवे ओ मौलवी होवे ओ सूफी होवे उंदी नमाज फजर दी होए जोर दी होए असर दी होए तहज्जुद दी होए ओ अल्लाह दे दरबार विच नहीं कबूल होएगी जब तक सूरह फातिहा अदा नहीं करेगा। सूरह फातिहा तो बगैर नमाज हो सकती बोलो किंदा फरमान है
नबी पाक दा फरमान है जेड़ा इहदे विच शक समझे ओह ते मुसलमान भी नहीं हो सकदा, ओह ते नबी दा ताबेदार भी नहीं हो सकदा। अपना अकीदा बना ला, शफा देवे ते अल्लाह, इताअत दी वारी आएगी ते मुस्तफा दी मन के दिखाई जाएगी। नबी तो इलावा किसे नू मन्या जा सकदा? बोलो बोलो, बुनिया जा सकदा नहीं। आवीरा बीमारियां परेशानियां आ गई ने, कारोबार नहीं चलता पिया, ते अल्लाह दा कुरान सुन ला। जगां दे पीर फरमांदे ने सवेरे भी ते शाम नो सूरत यासीन पढ़ लिया करो। की कर लिया करो? कुरान दा दिल जी सूरत, बोलो भी की पढ़ लिया करो? सूरत यासीन पढ़ लिया कर। ते अगली जड़ा नचोड़ मैं देना छाना, अल्लाह दी रहमत दे नाल, अल्लाह दे फजलो करम नाल, जेड़े मसाइल तेनू इत्थे सुनन नू मिलदे ने, हो सकदा किसे होर जगह ते जाए, तेरे नसीब अंदर या उस मौलवी दे वी नसीब विच, खरे उन्हें पढ़िया भी के नहीं पढ़िया, इना इलम जानदा भी के नहीं जानदा, क्योंकि सटेज मुहम्मदियां दा है एथे ते हक सच दे नखेड़े होंदे ने। असां ते ओ गल करनी है जिंदे नाल रब दी रजा लभ जानी है, असां ते ओ मसला सुनाना है जिंदे नाल मुस्तफा दी शफात हासिल हो जानी है। हां भाई, सूरह यासीन कुरान दा दिल है। सूरह यासीन, बोलो बोलो जरा, सूरह यासीन। तेरा दिल बीमार हो जाए तेन कोई चीज चंगी नहीं लगेगी। तेरे सामने बकरा पके है, कढ़ाई गोश्त पक्का है, चावल ने, बिरयानी है, हलवा है, खीरा ने, मठियाइयां दे ढेर लगे ने, तू आखेंगा मेनू कोई चीज चंगी नहीं जे लगदी। जदों दिल दा बंदा बीमार होवे ओनू कोई चीज चंगी लगदी? बोलो भी कोई अच्छी चीज लगदी नहीं। अल्लाह पाक फरमांदे ने बीमारियां आ गई, परेशानियां आ गई, मुसीबत आ गई ने, सूरत यासीन दी जे रिजक विच बरकतां चाहते हो, रहमतां चाहते हो, घर च सुख चाहते हो, आंदे हो बीबियां ताबेदार बन जावां, बच्चे फरमा बरदार बन जावां, लोकी खड़े हो के सलाम करन। आवीरा मैं तेनू नुस्खा देन लगा, MBBS डॉक्टर तेनू नुस्खा लिख के देन लगा, अल्लाह दी रहमत दे नाल। और दूजियां दे नुस्खियां विच शक हो सकदा ई, अल्लाह दी कसम है कुरान विच शक नहीं हो सकदा। सूरह यासीन आयत नंबर 8 ते 9 की दस्या भाई? 8 ते कदी कदी जाके पढ़ लिया करो, अमल कर लिया करो, इतने हस के ना वहा छड़िया करो। हसन नाल गल नहीं बननी, अमल करने नाल बात बननी। 8 ते 9 के दरमियान आयत में पढ़ांगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते ने वजा अल्लाह मिन बैन ऐदीहिम, जिन्हों कुरान सुन के सरूर आया गज के को सुबहान अल्लाह, जिन्हों लुत्फ आया है, जड़ा चाहता है कुरान की वजह कल कुरान सिफारशी बन जाए, जरा गज के आखे सुबहान अल्लाह। वजा अल्लाह मिन बैन ऐदीहिम सद्दन खल्फहिम सद्दन फअग्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर इस्लाम फरमांदे ने सवेरे दुकान तो जान तो पहले, सोटी जो तालिब इल्म स्कूल जान तो पहले, और कारोबारी हजरात आए जे सूरह यासीन दी इस आयत नू पढ़ के घरों निकल जिया कर। तेनू पता ही कोई नहीं तेरे राह च दुश्मन किन्ने ने, वैरी किन्ने ने। अल्लाह दी कसम तू दुश्मना कोलो नंग जाएगा ते दुश्मन
दुश्मन तेनू वेख भी नहीं सकन दे, तेरे ते वार भी नहीं कर सकन दे, तेरे ते हमला भी नहीं कर सकन दे। अगर वे इरादे लैके आए तेनू मारन दे ने, इना सूरत दी सैत नू पढ़ लिया कर, अल्लाह उना बेईमाना नू अन्या करके रख देवेगा। कुरान ते यकीन बना, कुरान ते यकीन बना, फिर गल बनेगी इंशाल्लाह। आखरी बात, बीबियां दिया ने घर जिन खलौनी नहीं देंदे, कई बंदियां नू चड़ेलां बड़ियां चमड़दियां ने, बड़े परेशान नजर आंदे ने। आओ सुन लो वीरो ए मसला, कई ते मेरिया मावां भैणां तशरीफ फरमा ने, जिन्हां दियां औरतां नहीं आईयां मर्दां ने घर जाके मसला जरूर दसना होएगा, ते मसले दा फायदा भी बड़ा हासिल होएगा। ओ लोगो, इत्थे बीबियां जुमा पढ़न वास्ते क्यों आंदियां ने, बड़े बड़िया रुकावटां भी पाईयां गईयां, बड़ा बड़ा रोकिया भी गया, लेकिन बीबियां ने ये दिल वड्डा करके सबाब नूं सामने रखिया। असी कोई गाने सुनन नहीं जांदियां, असी कोई कवालियां सुनन नहीं जांदियां, असी कोई नचन टप्पन नहीं जांदियां, असी रब दे घर कुरान सुनन जांदियां। ओए असी ते रब दे कुरान दे बयान सुनन जांदियां, नबी दी शान सुनन जांदियां। ओ लोगो, मैं तुहानू भी इस बात दी दावत देंगा, अपनियां बीबियां नूं रब दे घर लैके आया कर, उन्हूं मसले दा पता लगेगा, उन्हूं पता लगू के मैं मुसलमान हाँ, मैं अपने बच्चे की तरबियत किस तरह करनी है, मैं अपनी बेटी की तरबियत किस तरह करनी है, नहीं तो सारी उम्र पट्ठे ही वढ़ दियां अगले जहान चलिया जान दियां। हाँ भाई दस रहा हुआ, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, किसे दे घर दे अंदर ऐसा साया वगैरह होवे ते घर विच सूरत बकरा पढ़िया करो। की पढ़िया करो? सूरत बकरा, बकरा सूरत पढ़िया करो। ते अगली गल सुन लो बीबीओ भैनो, एक काम तुसी करना है, शाम दी अजान होण तो पहले अपने घरां दे दरवाजे बिस्मिल्ला पढ़ के अंदर दे बंद कर दिया करो। जिस दरवाजे नूं बिस्मिल्ला पढ़ के दरवाजा अंदर दा बंद कर लवोगे, शैतान ते जिन कदी उस घर विच दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह कोलो दुआ है, अल्लाह मेनू और त्यानों किताब सुन्नत दी दावत अमल दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।